मॉर्निंग बेटा। लास्ट पीटी वन विच अपन सांझी कंध रीड कर चुके हैं, वन मार्क्स भी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, वेट टर्म वन दे भी थोड़ा सारा सिलेबस ऑब्जेक्टिव सी, हुण सब्जेक्टिव है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जेडे कि लोंग आने, ठीक है, वड्डे क्वेश्चन आणगे। ठीक है, सांझी कंध चैप्टर असी लास्ट टाइम रीड भी कर चुके हैं, तो उहदे वन मार्क्स क्वेश्चन कर लिए सी। अज असी लोंग क्वेश्चन करांगे, पर एक तो फिर बार एक बार मैं तुहानू उस कहानी बारे दस दिंदी हां सांझी कंध, ताकि असी क्वेश्चन करिए। ठीक है, सांझी कंध कहानी है जी संतोख सिंह धीर दी लिखी है। इस कहानी दे विच जिहड़े किहड़े किहड़े पात्र है, एक तो है बेटा कपूर सिंह दरबारा, राम रतन पटवारी, सरपंच तम्मा, लंबड़दार। करैक्टर पता होंगे ताई तुसी क्वेश्चन कर सकोगे भी वो करैक्टर किहो जिहा है। किसी भी करैक्टर के बारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने हो, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा। वेट, किसी भी क्वेश्चन के बारे राइटर के पात्र के बारे पूछ सकते हैं। लंबड़दार, चाची राम कौर है बेटा, ओदी धी बंसो दरबारे दी। ठीक है, इस सारा कुछ दस जिहड़ा सांझी कंध कहानी दे जिहड़े पात्र है, इन्हां पात्रां दुआले कहानी हुंदी है। कपूर सिंह ते दरबारा आपस भी दोने ब्रदर है, चाचे दे। ठीक है, ठीक है, कपूर सिंह ते दरबारा की है, ब्रदर है, भरा भरा है, चाचे, ठीक है, कजन है, ठीक है, कजन है, भरा भरा है। जिहड़ी पूरी कहानी है इन्हां बीन दो पात्रां वाले हुंदी है। जिहड़ा कहानी जिहड़ा कपूर सिंह है वो एक अच्छा पात्र, एक चंगा पात्र है। ठीक है, पर वो गरीब है, उहदे घर दी हालत जिहड़ी कि माड़ी है। 8 महीने पहला कपूर सिंह दे घर जिहड़ा कि है मीह आण कारण, ये 8 महीने पहला बारिश आण कारण एक कंध है जिहड़ा घर है पूरा ढह जांदा है, पूरा ही घर। ते जिहड़ी कपूर सिंह दे घर दे नाल ही दरबारे दा भी घर है। जदों 8 महीने पहला बारिश आंदी है ते दरबारे दे घर दा भी कुछ हिस्सा ढह जांदा है, पर जिस घर दा हिस्सा ढहंदा है उस घर दे विच दरबारे ने अपने पशु या डंगर रखे होंदे हन। जिथे ओह रहिंदा ओह दूजा घर है, ओह नवां बनाया, उत्थे ओह रहिंदा नहीं सी जिथे जिस घर दी ओह छत डिगदी है। ठीक है, इस करके जिहड़ा कि ओहनूं एडी लोड महसूस नहीं हुंदी कंध बनाउण दी। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਉਹਦਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਪਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ।
क्योंकि दरबारा ते सरपंच आपस में दोस्त होंगे ना, उठन बैठन होंगे ते वो दसदी हाँ इन्हों दोनों उठन बैठन होंगे ते किसी ना किसी काम ते दरबारे सरपंच की लोड़ पैंदी है। इस करके दरबारा सरपंच की गल नूं इनकार नहीं कर पाता। कपूर सिंह भरा है ना कजन बेटा, सांझी कंध दीवार है, दो घर है कंध सांझी है, दीवार नहीं बनेगी तो लेंटर थोड़ी पेगा जे दीवार नहीं होगी। दोनों घर की सेम दीवार है ना दीवार, क्योंकि वह कहता सी मैंने लोड़ ही नहीं, क्योंकि जिस घर के विच रहिंदा है वो घर दूसरा होंगे, नवा घर उन्हें बनाया होंगे, पैसे दसिया तो है बेटा, उसको पैसे की कमी है, स्टार्टिंग से ही दसिया है गरीब है, सारे पैसे वो खर्च नहीं सकता, कर्जा लेके मसा इंतजाम कर पाता है, ठीक है पैसे लगने हैं। और कह दसी कि अद्धे अद्धे पैसे कहते रल के बना लेते हैं, दसी ना सॉरी लास्ट टाइम तुम्हें पढ़े नहीं लगता। नेक्स्ट है राम रतन पटवारी, जो पटवारी है उन्होंने समझाता है दरबारे नूं गल ठीक कर रहा है, तू ना दीवार बना लै, अच्छा ठीक है लड़ो ना तू दीवार बना लै, पर ओदी भी नहीं सुनता। लंबड़दार भी समझाता है, चाची भी समझाती है, जेड़ी वेट पहला तो वो कहता है कि बड़ी नरमाई, जदों तू कहेगा कपूर सिंह दरबारी नूं कहता है जदों तू कहेगा मैं उदों दीवार बना लांगा, उदों घर बना लांगा, ठीक है पर बनानी आपां कंध सांझी कंध बनेगी तो मकान खड़ा होएगा। पर दरबारा जिहड़ा कि उहदी गल मंदा ही नहीं, मैं नहीं बनाना, कहिंदा तैनूं लोड़ है तू बना लै, चाहे उस समय दरबारे की हालत वधिया हुंदी है पैसा ठीक हुंदा तो। फिर वो कहिंदा है कि चल कोई गल नहीं, तू जिहड़ा की है मजदूरी का खर्चा ना देवी, मजदूरी का खर्चा जिन्हें मजदूर लैणगे वो ना देवी, जो समान है इट है सीमेंट है ओदा पैसे तू अद्धे अद्धे दे दे। वो तां भी कहिंदा है मैं नहीं देने, मेरे को है नहीं पैसे। तेन दरबारा दरबारा वो कहिंदा तेनू लोड़ है तू बना लै, मैं पैसे देने ही नहीं। वो कहिंदा चल तू हुण नहीं देने, जदों तेरे कोल होणगे तू उदों दे दे। वो कहिंदा नहीं मैं नहीं देने, पहले तो मन लगता है सरपंच को भारा मार दिंदा, ठीक है ना कर दिंदा। फिर जिहड़ा कि ये गल इन्नी ज्यादा वध जांदी, हत्थों पाई दे पहुंच जांदी, लड़ाई हो जांदी है कपूर सिंह ते दरबारे दी, आपस लड़ाई हो जांदी, इन्नी ज्यादा लड़ाई हो जांदी कि खून तक निकल आंदा है, पुलिस तक पहुंच जांदी है, दोनों सट्टा वजदी है, पुलिस ते केस पहुंच जांदा है, किसी तरीके जमानत हो जांदी है। पर उन्हां दोनां दे विचकार कुश्ता दा वैर खड़ा हो जांदा है, भाव कि कुश्ता मतलब किन्ने चिर इन्ना ज्यादा दुश्मनी आ जांदी है दोनों भरावां च। फिर एक दिन कुछ दिनों के बाद वो दो किश्ता होंदियां सांझी कंध बना ली तैयार हो जाते हैं, ठीक है पटवारी कहिंदा लंबड़दार बाकी पिंड के लोग कंध बना ली और तैयार हो जाते हैं, ते कहिंदा है जिहड़ा तैनूं पैसे है तू दो किश्ता ही देने है, किन्ने दरबारे ने कंध बनाउण दे, ठीक है दो किश्ता ही देने है, जदों तक होणगे तू दे रही हो, ठीक है दो इंस्टॉलमेंट कर दे है, पर ना पहली इंस्टॉलमेंट हुंदा है ना दूजी, ठीक है तां वी ओह कुछ नहीं कहिंदा कि वो डरदा है जे उहनूं मैं पैसे लई कहांगा ते शायद दरबारा फिर तो मेरे नाल लड़ाई ना कर ले, वो डरदा है बेचारा क्योंकि कपूर सिंह अच्छा करैक्टर है। एक दिन हाँ लोहड़ी दे एक पहला सी चाची राम कौर एक दिन कहती है कि दरबारा कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद कि दरबारा है और नमोनिए दी बीमारी का शिकार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया कि तेन पता ही नहीं तेरा भरा मरण किनारे है। वो कहता मैनू नहीं पता, फिर क्योंकि भरा भरा है ठीक है, जो बीमारी बारे पता लगता है कपूर सिंह दरबारे के घर जाता है डरते डरते, ठीक है जिथे ओरी कुड़ी होंगी है बंसो, वो जो दरबारे की हालत देखता है तो बड़ा जो कि शोक हो जाता है कि दरबारा इन्ना ज्यादा वीक हो चुका है कमजोर हो चुका है, और को दवाई जो के पैसे भी नहीं होंगे, अखा भी बाहर निकल आदि दवाई जो के पैसे भी होंगे, उन्होंने हौसला दिता है ठीक है तू हौसला ना छू 10 रुपये भी फड़ा है
कि तू ये दवाई ले आई ते कहंदा है कि जदों मैं मंडियो डॉक्टर नू भेजांगा तू ठीक हो जा, पैसे तो फिर भी आ जाएंगे क्योंकि उन्हें किस्तां दित्तियां नहीं हुंदियां। ते उदों ही दरबारा दसदा है कि कपूर सिंह नू दसदा है कि उहदी धी बंसो दा विआह है, हाड़ दे महीने तू जरूर आवीं। उह कहंदा वी इह कहिण दी गल है, मैं जरूर आवांगा। दरबारा अंदरों अंदरी जिहड़ा कि इह बड़ा नीवा महसूस कर रहा हुंदा है कि जिहड़े भरा नाल उहने इन्नी गलत कीती, बेचारे ने इन्हां ने प्यार, ते अज उही भरा जिहड़ा कि इह मेरा पता लैण आया है, ठीक है, मैनूं पैसे दित्ते, ठीक है, ठीक है, उह कहिंदा है, फिर उहनूं माफ़ी मंगदा है दरबारा कपूर सिंह कोलों, गैर सरपंच दे कहिण ते, सरपंच दीआं गल्लां विच आ गया सी, ते तेरे नाल मैं बहुत ज्यादा गलत किया, तू मैनूं माफ कर दे, ठीक है। वह कहिंदा कोई गल नहीं, ठीक है, दोनों दियां अखां दे विच अथरू आ जांदे आ, ठीक है, सारा जिहड़ा पुश्ता दा वैर सी वह अथरूआं दे विच वह जांदा, इत्थे ही कहानी जिहड़ी खत्म हो जांदी है। भाव कि इस कहानी तों सानूं सिक्ख्या मिलदी है कि सानूं कदे भी किसी दियां गल्लां दे विच नहीं आ जांदा, अपने भैन भरावां नाल नहीं बिगाड़नी चाहिए, ठीक है, अपने दिमाग तो काम लेना चाहिए है, क्योंकि जमीन जायदाद पैसा तो फिर भी आ जाता है, पर रिश्ते नहीं आते, भरा नहीं मिलते। क्लियर हो गई स्टोरी, समझ आ गई, बोलो बेटा। कई इंसान की जिहड़ी की आदत हुंदी है कि दूसरों के कम दूसरे इंसान लड़दा दे के खुश होना, मजा आंदा है। बंसो इस कहानी में बस कुड़ी है, अपने पिता की देखभाल करती है, उसका विआह हार दे तीन चार लाइना च। हाँ मैं देख रही हूँ, क्लियर है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर है स्टोरी। हम क्वेश्चन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, बड़े क्वेश्चन, ओके बेटा, बड़े क्वेश्चन तो लिख लो। सब्जेक्टिव आने हैं, पता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, दरबारा सिंह नूं कपूर सिंह नाल कंध सांझी करन दी लोड़ क्यों पई। बुक खोल के रखो, दरबारा सिंह नूं कपूर सिंह नाल कंध सांझी करन दी लोड़ क्यों पई सी। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट रेज योर हैंड, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो, दरबारा सिंह नूं कपूर सिंह नाल कंध सांझी करन दी लोड़ क्यों पई है। हाँ बेटा रेनका बोलो बेटा, हाँ, यस वेरी गुड, यस दारिन बेटा, यस मैम। दरबारा सिंह दे दो घर सन, उसका एक घर नवा सी ते बहुत चंगा सी, जिहड़ा दूजा घर सी उस विच पशु डंगर ते धूड़ी ही सन। उसदे दूजे घर दा उसदे दूजे घर ते एक कंध बहुत ही पुरानी सी ते इन्नी कमजोर सी कि ओह ओही डिग्गी पई सी, पर उस नूं सांझी करन दा दी ज्यादा लोड़ ना सी। यस वेरी गुड, लिखो, दरबारा सिंह नूं कपूर सिंह नाल कंध करन दी लोड़ क्यों नहीं सी। पहला तां लिखो मेन पॉइंट, दरबारा सिंह दे किन्ने घर सन, दो घर सन, ते जिस घर दी छत डिगी सी, ठीक है, जिस घर दी छत जड़ी की सी डिगी सी, जिस घर दी छत डिगी सी उस घर विच उन्ने सिर्फ पशु ते डंगर रखे हुए सन। जिस घर दी छत डिगी सी उस घर दे विच सिर्फ पशु या डंगर ही सन। नहीं, पर कपूर सिंह दा घर
पूरी तरह ढह गया सी, ठीक है, पर कपूर सिंह का बारिश कारण पूरी तरह घर ढह गया सी। ठीक है, दरबारे कोल एक होर घर सी, दरबारा दरबारे कोल एक होर घर सी जिस विच वो रहिंदा सी। दरबारे कोल एक होर घर सी जिस विच वो रहिंदा सी। लोग पछाणे बेटा, एक होर घर सी जिस विच वो रहिंदा सी, इस लई उस नूं सांझी कंध बनाउण दी लोड़ नहीं सी। ठीक है, एक आवी लाइन लिखना, बारी शान कारण जिहड़ा की है सांझी कंध, जिहड़ी डिग पई सी, जिहड़ी कंध सी ओह डिग भी पई सी। ठीक है, सांझी कंध डिग पई सी। दरबारे दरबारे दो घर सन, जिस घर की छत डिगी सी उस घर विच पशु ते डंगर रखे हुए सन। ठीक है, पर कपूर सिंह का पूरा घर टह गया सी, ते दरबारा जिस घर दे विच रहिंदा सी ओह दूसरा घर सी। ठीक है, इसलिए उन्हों का की है सांझी कंध बनाने की लोड़ नहीं सी। समझ लगे बेटा, क्लियर है? लिख लो फिर सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन, सरपंच दे खंगूरे दा दरबारे ते की असर होया? यस, कौन? हाँ, यस, वेरी गुड। नेक्स्ट जायती बेटा, जायती। यस मैम, सरपंच सरपंच ने धम्मा पंगूरे दा दरबारे ते की असर होया? सरपंच धम्मा सिंह दे नाल दरबारे दा उठन बैठा सी। ओ कपूर सिंह दरबारे नूं कई बार निमरता नाल गल करदा है अते उस नूं मनाउण दी कोशिश करदा है, पर दरबारा सरपंच दीआं गल्लां विच आ के उस नूं वार वार मना कर दिंदा है। कपूर सिंह इक होर वार उस नूं समझाउंदा है अते नाल ही दरबारा मनन लगदा है, पर सरपंच खुंगड़ दिंदा है जिस कारण दरबारे नूं समझ लग जांदा है अते उस नूं फिर बैठ चढ़दा है अते ओह सांझी कंध बनाउण लई मना कर देंदा है। यस, वेरी गुड। सरपंच दे खंगूरे दा की असर हुंदा है? सरपंच दा नाम की? धम्मा सिंह। ठीक है, जो जेड़ा की पहला था कपूर, ठीक है, कपूर सिंह बड़ी निमरता दे नाल बड़े प्यार नाल दरबारे नू समझांदा है कि आपा दोने सांझी कंध बना लैने हाँ। ठीक है, पर वो फिर भी नहीं मनदा। फिर वो कहता है कि तू मजदूरी दे पैसे ना देवी। ठीक है, सिर्फ जिना की है समान दा खर्चा, समान की है इट्टा सीमेंट रेता जो भी है उहदा खर्चा तू अद्धा दे देवी। ठीक है, दरबारा कपूर सिंह की गल मनन ही लगा हुंदा है। दरबारा कपूर सिंह की गल दरबारा कपूर सिंह की गल मनन ही लगा हुंदा है कि सरपंच खंगूरा मार के ते इशारे नाल खंगूरा मार के इशारे नाल दरबारे नूं ना करन लई कहिंदा है। खंगूरे नाल सांझी कंध बनाउण लई ना करन लई कहिंदा है। दरबारा ते कपूर सिंह दोवें मित्र हुंदे हन,
ना करन लई ना कर दे दरबारा ते सरपंच दोवे मित्र हुंदे हन नहीं दरबारा दरबारा ते सरपंच दोवे मित्र हुंदे हन दरबारे नू किस कोई काम कराने वेले या कदे कदे सरपंच दी लोड़ पैंदी है ठीक है किसी ना किसी काम दे विच दरबारे नू किसी ना किसी काम दे विच सरपंच दी लोड़ पैंदी है इसलिए जदों सरपंच हुंगारा मारदा है ता दरबारा सांझी कंध बनाउण लई ना कर दिंदा है ता दरबारा सांझी कंध बनाउण लई ना कर दिंदा है लिख लिया कित्थे लिखदा मैं गलत गल नहीं युग पत्रकार जी हुंदे तू ऑफलाइन आ भी रही है मैं इन्नी स्लो बोल भी रही हां दरबारा सांझी क्योंकि थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है ना आंसर लिखवाना ही नहीं सेकंड थर्ड सेम है दरबारा सांझी कंध बनाउण लई ना कर दिंदा है क्लियर है थर्ड नेक्स्ट है दरबारा सिंह चाहुंदा होया भी कपूर सिंह दी सांझी कंध बनाउण विच मदद नहीं सी कर रहा क्यों सेम क्योंकि दोनों आपस मित्र हुंदे हन ठीक है कोई ना कोई काम दे विच ओदी लोड़ पैंदी है ठीक है इसलिए जदो खंगूरा मारदा है या ना करन लई कहंदा है चाहुंदा होया भी दरबारा सिंह जिहड़ा कि कंध बनाउण लई हां नहीं कर पाउंदा सेम है हां बोलो सेम है बेटा आंसर यस हां कपूर सिंह नु केड़ी गल दा डर सी जिस करके दरबारा प्रति नरमाई वरतिया सी कपूर सिंह सुनो बेटा कपूर सिंह नु केड़ी गल दा डर सी लड़ाई दा झगड़े दा बोल Yes, बेटा हाँ गुड है दो पॉइंट लिखने हैं एक ता लड़ाई वाला ते दूसरा लिखने है कि दरबारे को दो घर सन फर्स्ट पॉइंट की लिखांगे दरबारे नु किस गल दा डर सी एक ता डर सी जे उसने उनाल आकर नाल गल कीती ता उस नाल लड़ाई जा झगड़ा ना कर लवे ते दूसरा दरबारे दे कोल दो घर सन ठीक है उस नु कंध बनाउण दी एनी लोड़ नहीं सी पर जिस घर दी कंध ठीक है जिस घर दे विचो रह रहा सी कौन कपूर सिंह ओह घर पूरी तरह ढह गया सी ठीक है इसलिए लोड़ किनू ज्यादा सी बोलो कपूर सिंह नू ठीक है लोड़ किनू ज्यादा सी कपूर सिंह नू ठीक है उसने सोचिया कि जे मैं इस नाल आकड़ दे नाल बोलांगा या जबरदस्ती करांगा ता इस ने कंध बनाउण दे लई हां बिल्कुल ही नहीं करनी ठीक है क्वेश्चन है कपूर सिंह नू केड़ी गल दा डर सी जिस करके ओ दरबारे नाल नरमाई वरत रिया सी भाव की प्यार नाल गल कर रहे दो पॉइंट लिखने है एक तो डर सी लड़ाई या झगड़ा ना हो जाए ते दूसरा सी दरबारे कोलो दो घर सन जिस घर दे विच रहिंदा सी ओ नवां ही सी जिस घर की कंध डिगी सी सिर्फ पशु या डंगर रखे सन इस करके जिहड़ा कि दरबारे नू सांझी कंध बनाउण दी एनी लोड़ नहीं सी जिन्नी लोड़ कपूर सिंह नू सी
क्योंकि कपूर सिंह का घर पूरा ही ढह गया सी। दो पॉइंट लिखने मेन लिख ले। क्लियर है बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा क्लियर है? नेक्स्ट है, पब दूर हो जू चुगाट बच रहे वार बथेरा खान है समझाने लिए वरत्या गया है। ए शब्द कपूर सिंह ने क्यों ते किस नु कहे? ऑनलाइन यस बेटा यस अनम्यूट यस मैम यस बेटा ए शब्द कपूर सिंह ने दरबारी नु कहे सन क्योंकि ठंड करके उस जो निमोनिया बीमारी हो गई सी yes. उसकी हालत खराब सी ते ओ बड़ा कमजोर हो गया सी। कपूर सिंह ने उन्हां दे शब्द दरबारी की सेहत ठीक हो गएगी तो घर में खुशियां पैसे ते रौनक अपने आप ही आ जाएगी। वो उसनू हौसला भी दे रहा सी ते इस तो अलावा उसने उसनू 10 रुपए ते डॉक्टर नाल भी एक अपॉइंटमेंट पड़ा। यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड। हाँ बेटा ठीक है सब दूर हो जू वार बथेरा ए खान दरबारे ने शब्द किन्ने कहे सी? शब्द कपूर सिंह ने दरबारे नू कहे क्यों कहे सी? जदों दरबारा कपूर सिंह दरबारे दे घर जांदा है ता दरबारा नमूनिए दी बीमारी दा शिकार हो जांदा है। ओदा शरीर बड़ा कमजोर हो जांदा है। ओ जेड़ा की है एक मिनट ओ जेड़ा की है अपना हौसला ही हार बैठदा है। ठीक है ओदा हौसला ही हार जांदा है। ओदे घर दी आर्थिक हालत ही बड़ी माड़ी हो जांदी है। हौसला हार जांदा है आर्थिक हालत माड़ी हो जांदी है। उसनू हौसला दिंदा होया कहिंदा है कि तू हौसला ना हार तेरी जे सेहत ठीक रहेगी ता फिर तो तू पैसे कमा लवेगा। क्लियर है क्वेश्चन बेटा सब नू? किदे बंदी क्लियर है बेटा सब नू? क्वेश्चन इत्ता सारे नू ठीक है फिर नोटबुक से लिख लेने बेटा सारे क्वेश्चन। ओके बेटा